हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा जिंदर, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको जयपुर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट विजिट कराने वाले हैं, जिसका नाम है ली मरीडियन। इसको मैरिट के द्वारा रन किया जाता है। एयरपोर्ट से इस रिजॉर्ट की दूरी की बात करें तो ये एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुंचने में आपको समवेयर अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। ये रिजॉर्ट 20 एकर्स के वास्ट एरिया में बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको रूम्स की एक डिसेंट इन्वेंट्री भी मिलती है। यहाँ पर आप समवेयर अराउंड 250 to 300 गेस्ट के लिए वेडिंग प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मल्टीपल वेन्यूज भी मिलते हैं। और हम जयपुर में हैं तो सबसे खास बात कि यहाँ पर आपको पैलेशियल बैकड्रॉप्स भी मिल जाते हैं। तो आइए अब जल्दी से इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ली मरीडियन रिजॉर्ट में। ये है इनका मेन एंट्री पॉइंट, मेन चेकिंग पॉइंट। यहीं से कार विल एंटर टू द मेन पोर्च। बड़ा प्रोसेशन के लिए आपको ली मरीडियन में एक अच्छा वॉकवे मिल जाता है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। मेन एंट्री पॉइंट से जब हम लॉबी की तरफ जाते हैं तो काफी लॉन्ग पाथवे है। तो ये है ली मरीडियन का मेन पोर्च। यहीं पे वैलेटी विल पार्क योर कार एंड कलेक्ट योर लगेज, एंड यहीं पर आप अपने गेस्ट के लिए ग्रैंड राजस्थानी वेलकम प्लान कर सकते हैं। तो मेन पोर्ट से अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं इनकी लॉबी में। मेन पोर्ट से जब आप लॉबी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इन द सेंटर आपको चारबाग एरिया मिल जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है ये चारबाग। चारों तरफ यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं वाटर बॉडीज विद फाउंटेन यहाँ पर लगाई हुई है। चारबाग इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सेम बाग चार बन रहे हैं, इसीलिए इसे चारबाग एरिया कहते हैं। इवेंट के टाइम पर इसे आप अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। तो यहीं पर आपके गेस्ट का वेलकम भी किया जाता है। भाई राजस्थान में आए हैं और ऐसी सिंगिंग ना मिले तो फिर क्या ही। बहुत अच्छा लगता है राजस्थान में आके, इतना ग्रैंड वेलकम जब आपको मिलता है। तो आपने तो चारबाग एरिया, अब हम आपको होटल की मेन लॉबी में लेकर जाने वाले हैं। तो ये है ली मरीडियन की मेन लॉबी। यहीं पर आप अपने गेस्ट का वेलकम कर सकते हैं। होटल की तरफ से भी आपके लिए वेलकम प्लान किया जाता है, जिसमें तिलक एंड वेलकम ड्रिंक भी आपको सर्व किया जाता है। तो लॉबी में ही आपकी रिसेप्शन डेस्क है, मेन रिसेप्शन डेस्क। यहीं पर आपके चेक इन चेकआउट किए जाते हैं। एंड लॉबी जैसा कि आप सब देख रहे हैं, टाइम ऑफ चेक इन एंड चेकआउट, आपके पास प्रॉपर सिटिंग स्पेस है। यहाँ पर लोग आराम से अपने वेलकम ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और स्पेस भी आपको मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी हेल्प डेस्क लगा सकते हैं। तो ये है वो एरिया जहाँ पर आप इवेंट टीम के द्वारा अपनी हेल्प डेस्क प्लान कर सकते हैं। लॉबी के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर ली मरीडियन में आपको राजस्थानी इंटीरियर के साथ साथ मॉडर्न इंटीरियर्स का अच्छा ब्लेंड मिल जाता है। यहाँ ली मरीडियन में लॉबी की वाइब्स काफ़ी प्रेजेंट है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे लॉबी से सभी कुछ कनेक्टेड है, यहीं से आपको आपके रूम की एक्सेस मिलती है और यहीं से आपका मेन जो पूल वेन्यू है वो भी यहीं पर है। तो जब आप लॉबी में आते हैं तो लॉबी में भी वेलकमिंग के लिए, आपके स्वागत के लिए यहाँ पर स्पेशली सिंगर्स का अरेंजमेंट है। तो बहुत अच्छी सिंगिंग के द्वारा ये आपके गेस्ट को पैम्पर करते हैं। लॉबी के साथ ही ली मरीडियन में आपको आपका रेस्टोरेंट मिल जाता है जहां पर आप अपना दोनों दिन के लिए ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं।
तो ये है ली मेरिडियन का मेन रेस्टोरेंट जिसका नाम है लेटेस्ट रेसिपी। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर सिटिंग स्पेस की कोई कमी नहीं है, एट द टाइम आपके जितने भी गेस्ट हैं ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर सकते हैं। बूफे भी काफ़ी अच्छा लगाते हैं तो गेस्ट यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक वेडिंग की हुई है तो अगर आप चाहें इसका लुक एंड फील देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर मोहित यामिनी की वेडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ली मेरिडियन में आपको डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक अच्छी रूम्स की इन्वेंट्री मिल जाती है। यहाँ पर इन टोटल 126 रूम्स हैं जिसमें कि 10 स्वीट्स हैं, बाकी के नॉर्मल रूम्स हैं, जो कि एक अच्छी इन्वेंट्री है। अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कहीं पर भी प्लान करते हैं आप प्रॉपर्टी का बायआउट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको जिस कैटेगरी के रूम दिखाने वाले हैं वो हैं इनके प्रीमियम कैटेगरी के रूम। रूम के इंटीरियर्स मॉडर्न इंटीरियर पे बेस्ड हैं, काफ़ी वेलकमिंग एटमॉस्फेयर देते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं रूम काफ़ी स्पेशियस है, साथ ही साथ राजस्थानी फ्लेवर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर अगर हम एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर इसको मैरियट के द्वारा रन किया जाता है, यू डोंट नीड टू वरी। तो रूम से व्यू की बात करें तो यहाँ से आपको पूल व्यू मिल जाता है। तो व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको रूम से पूल व्यू मिल जाता है। पूल व्यू यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर आपको पूल के साथ जो लॉन मिलता है, वहाँ पर अगर आप मंडप लेते हैं तो गेस्ट अगर लेट नाइट मंडप को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी वो आपके मंडप को यहाँ से देख सकते हैं। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर आपको बाथटब भी दिया गया है, शार क्यूबिकल भी दी गई है। तो यहाँ पर ली मेरिडियन में इन टोटल आपको 126 रूम्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग 10 स्वीट्स। तो यहाँ पर आपको 3 विंग्स मिल जाते हैं, ए बी और न्यू विंग। तो ए विंग में आपको 54 रूम्स मिलते हैं, बी विंग में 42 रूम्स मिलते हैं और ए विंग में आपके सारे स्वीट्स हैं, इन नंबर 10 है। तो अभी हम आपको प्रेजिडेंशियल स्वीट दिखाने वाले हैं जो ब्राइड या ग्रूम की फैमिली ले सकती है। तो ये है प्रेजिडेंशियल स्वीट। यहां पर रूम में एंटर करते ही आपको एक स्मॉल किचन मिल जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बटलर तो रहता ही है जो आपकी छोटी मोटी नीड्स को पूरा करते रहता है। तो ये है इनका मेन लिविंग कम डाइनिंग रूम। यहाँ पर आपको एक डाइनिंग एरिया मिल जाता है, प्रॉपर सिटिंग एरिया मिल जाता है, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम की फैमिली से मीट एंड ग्रीट के लिए गेस्ट आते रहते हैं तो आपके पास इतना स्पेस रहता है। सो लिविंग रूम के साथ ही यहाँ पर बेडरूम 1 आपको मिल जाता है क्योंकि प्रेजिडेंशियल स्वीट में 2 बेडरूम आपको मिलते हैं। मॉडर्न इंटीरियर पे बेस्ड ये रूम काफी एलिगेंट है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं वॉशरूम काफी ज्यादा स्पेशियस है, लग्जीरियस है। यहाँ पर आपको बाथटब तो मिलता ही है, साथ ही साथ शावर क्यूबिकल भी मिल जाते हैं। स्वीट इंटीरियर्स आर वेरी प्लीजिंग एंड विल श्योरली एनहांस गेस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस। लिविंग रूम में आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाता है।
लिविंग रूम के साथ ही आपको यहाँ पर जिम भी मिल जाता है, अपना पर्सनल जिम। सो यहाँ पर पीएस में आपको एक ड्रेसिंग रूम भी अलग से मिल जाता है, यहाँ पर अपनी ब्राइड रेडी हो सकती है। तो ये है प्रेजिडेंशियल स्वीट का सेकंड बेडरूम, ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर भी मॉडर्न इंटीरियर पे बेस्ड ये रूम काफी स्टनिंग है। प्रेजिडेंशियल स्वीट के वॉशरूम्स काफी शानदार हैं, लग्जरी और कंफर्ट का फील देते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ली मेरिडियन का डीलक्स स्वीट, जो आपके बाकी के गेस्ट को दिया जाने वाला है। यहाँ पर इन टोटल 9 डीलक्स स्वीट आपको मिल जाते हैं। इंटीरियर डिजाइन ऑफ दिस स्वीट इज फैंटास्टिक, इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्टाइल एंड फंक्शनैलिटी। यहाँ डीलक्स स्वीट में भी आपको लिविंग रूम के साथ साथ एक बेडरूम मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्पेशियस है। स्वीट वॉशरूम इज रियली वेरी गुड, इट इज अ लिटिल लग्जरी दैट एड सो मच टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस। यहाँ वॉशरूम में आपको बाथटब भी मिल जाता है। तो लॉबी से जैसे ही आप अंदर आते हैं होटल में, तो यहाँ पर आपको पूल साइड मिल जाती है। पूल साइड गाइस इनकी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आउटडोर पूल आपको मिल जाता है। तो यहीं से आपके ब्राइडिंग रूम और बाकी के गेस्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर ही आप अपना एंट्रेंस प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूल साइड में आपको एक अटैच लॉन भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मेहंदी या हल्दी का फंक्शन या फिर दोनों ही लंचेस आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा प्लेस है। यहाँ पर इनके साथ ही में आपको एक और एरिया मिलता है जहाँ पर आप बुफे प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी में रूम्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ए विंग, बी विंग एंड न्यू विंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूल साइड बिल्कुल सेंटर में है एंड इसके दोनों तरफ आपके विंग्स हैं जहाँ पर रूम्स हैं, तो लोग अच्छे से फंक्शंस को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कनेक्टिविटी वाइज ये इनका परफेक्ट वेन्यू है, लॉबी से जस्ट नेक्स्ट ही है। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं यहीं से ब्राइडिंग रूम एंड बाकी के गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। पूल साइड के साथ ही एक और कनेक्टेड एरिया है, यहाँ पर आप अपना बुफे लगा सकते हैं। तो सिटिंग भी ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, आप चाहें तो थीम के अकॉर्डिंग भी सिटिंग ले सकते हैं। लॉबी के साथ ही आपको एक स्टेयरकेस मिलता है, तो जस्ट 1 लेवल डाउन आपको यहाँ पर आपका बॉलरूम मिलने वाला है जिसका नाम है आमिर बॉलरूम। तो यहाँ पर गाइस स्टेयर्स के साथ साथ लिफ्ट का भी प्रोविजन है, तो कुछ गेस्ट अगर स्टेयर्स यूज नहीं करना चाहते वो लिफ्ट यूज कर सकते हैं। तो ये है आमिर बॉलरूम का मेन पीएफए एरिया, यहीं पर आपका बूफे सर्व किया जाएगा एंड आपके यहीं पर लाइव काउंटर्स वगैरह सारी चीजें यहीं आने वाली हैं। तो ये जो पीएफए एरिया है इसका नाम है दीवाने आम, और यहाँ पर आपको समवेयर अराउंड 2600 स्क्वायर फीट एरिया मिल जाता है। तो अभी हम आपको ली मेरिडियन में मेन बॉलरूम आमिर बॉलरूम दिखाने वाले हैं। ये है आमिर बॉलरूम। तो यहाँ पर आप अपना संगीत का फंक्शन कर सकते हैं। इसके एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6500 स्क्वायर फीट एरिया मिल जाता है। तो अभी हम लोग हैं दीवाने खास में, जहाँ पर आप अपनी आफ्टर पार्टी प्लान कर सकते हैं या फिर आपके कोई स्मॉल रिचुअल्स हैं तो वो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2500 स्क्वायर फीट एरिया मिल जाता है।
तो अभी हम लोग न्यू विंग के रॉयल लाउंज में है। बेसिकली ये जो न्यू विंग है यहाँ पर आपके सारे स्वीट्स हैं जो कि इन टोटल 10 आपको मिल जाते हैं। तो ये जो रॉयल स्वीट है यहाँ पर आप अपनी दोनों दिल के लिए हाई टी प्लान कर सकते हैं। हाई टी के लिए जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी फर्नीचर दिया हुआ है, अलग से आपको सिटिंग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कल जिस दिन आपकी फैमिली इमीडिएट चेक इन करती है, इमीडिएट फैमिली के चेक इन होते हैं, उस दिन भी आप अपना यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर वेडिंग की थी तो इमीडिएट फैमिली के जिस दिन चेक इन थे उसी दिन इवनिंग में हमने मेहंदी का फंक्शन प्लान किया हुआ था ओनली फॉर द क्लोज गेस्ट। तो फिर यहाँ पर हमने ब्राइड का एक बैकड्रॉप बनाया था जहाँ पर ब्राइड को मेहंदी लगी थी। रॉयल लाउंज के साथ ही आपको अरावली लॉन मिल जाता है। तो जिस दिन आप वेडिंग प्लान कर रहे हैं उस दिन आप बॉय साइड की हाई टी यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं, यहीं पर आपकी सहरा बंदी हो सकती है। एंड इसी वेन्यू से आपको बाहर आप अपना घोड़ी या जिस भी तरह से आप अपनी बारात प्लान कर रहे हैं तो वहां पर आप अरेंज कर सकते हैं एंड बारात उसी पैसेज को फॉलो करती हुई मेन वेन्यू तक जाएगी। तो चार बाग से ही अब हम आपको ली मेरिडियन का मेन वेन्यू दिखाने वाले हैं जो आप अपनी शादी के लिए, अपनी वेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चार बाग के बाद जो पैसेज अभी हम जहाँ से आए हैं यहीं से आपकी ब्राइड आने वाली है, तो यहीं पर आप अपनी जयमाला सेरेमनी कर सकते हैं। इन स्टेयर्स पे अच्छे से फ्लावर वर्क करा के, फायरवर्क्स करा के, कोल्ड पायरोस वगैरह का अरेंजमेंट करके आप ग्रैंड जयमाला सेरेमनी यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो ये जो वेन्यू आप देख रहे हैं ये आपके मंडप के लिए है, इसका नाम है कोर्टयार्ड। तो यहाँ पर आप अपना मंडप प्लान कर सकते हैं। सिंस ली मेरिडियन एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, पैलेशियल बैकड्रॉप्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप वेन्यू में वेडिंग करते हैं तो आपको चारों तरफ ली मेरिडियन का पैलेशियल बैकड्रॉप मिल जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं आमेर लॉन में, यहाँ पर आप अपना वेडिंग का फंक्शन प्लान कर सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 55,000 स्क्वायर फीट एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस लेआउटिंग की बात करें तो काफी अच्छा रेक्टेंगल शेप का लॉन है, सामने आप अपना स्टेज प्लान कर सकते हैं, एक साइड आप बूफे लगा सकते हैं एंड बाकी का स्पेस आप लाउंजेस एंड कैनोपीज में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था ली मेरिडियन रिजॉर्ट जो कि कुकर्स रोड पर है, यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी आपको मिलते हैं मल्टीपल वेन्यूज और रूम्स की एक डिसेंट इन्वेंट्री जो कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग को करने के लिए यूजफुल पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे वेडिंग कॉस्ट जानने के लिए और वेडिंग प्लानिंग की सर्विसेज के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि हमें और YouTube दोनों को पता चलना चाहिए कि आप भी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू पर। थैंक यू सो मच।